साहिब जी की आज्ञा हुई है, कुछ मिनट आप लोगों के बीच कुछ कहूं। अभी सुन रहे थे बीजक चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन और आश्रम के बारे में। आश्रम शून्य से शुरुआत हुआ और आप सबके परिश्रम, एक ड्राइवर होना चाहिए कोई गाड़ी का तो गाड़ी उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाएगा। साहब बस ड्राइवरिंग करते रहे और आप लोग उसके सारथी बन करके इतना आगे बढ़ाए और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आप सबकी कृपा है उसमें, आप सबका सहयोग, इतना अच्छा व्यवस्था और नए ढंग से नए सोच आप लोगों का जो रहा और उसी में सहयोगी आप सब बनते रहे और आगे विकास होता ही रहेगा। कोई भी आश्रम का विकास और विनाश वहाँ के रहने वाले खास और भक्तों से होता है। और मैं समझता हूँ कबीर पंथ में जो इलाहाबाद से रिलेटिव आश्रम है, कोई भी आश्रम विनाश की ओर नहीं गया है। इलाहाबाद से जितने भी संत छत्तीसगढ़ में आए, कहीं भी गए, यही छत्तीसगढ़ की बात नहीं, कहीं भी गए, शून्य से शुरुआत किए, एकदम शून्य से, लेकिन वहाँ की जो गुरुदेव जी की देन है, सदगुरु अभिलाष साहिब जी का सीख है, वो आदमी वहाँ रह करके कुछ सीखा और कहीं भी गए वहाँ के संत, वहाँ के शिक्षा, तो उस जगह का विकास ही हुआ है, उत्थान ही हुआ है। वहाँ एक ऐसा कहना चाहिए आईटीआई सेंटर है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा 26, 27, 28 अक्टूबर को आप लोग नहीं गए हैं तो तत्काल में टिकट बनवाइए, एक बार जा करके देखिए वहाँ की भी छवि क्या चीज होती है, व्यवस्था कैसे होती है। कम से कम 10 से 12 हजार भीड़ पक्का है होना, कम नहीं बताऊंगा मैं, 100% 10 से 12 हजार भीड़ होना है। और उसकी मैनेजमेंट पूरा संत लोग करते हैं, बाहर से किसी लेवर को नहीं बुलाते हैं, पूरी व्यवस्था संत लोग करते हैं। और ये सीख कहाँ से मिला? गुरुदेव जी की देन है। आज उन्हीं के दिवस के रूप में, उन्हीं की यादगिरी के रूप में आज अंतिम कार्यक्रम का अंतिम किया गया है। गुरुदेव जी एक महान संत थे, कबीर पंथ का महिषा कहना चाहिए। उन्होंने कबीर पंथ में जो प्रचार प्रसार किया, कबीर पंथ का प्रचार प्रसार काफी था पहले से, लेकिन जो पारक सिद्धांत का विरल रूप आया बीजक का गुरुदेव जी से। बीजक की व्याख्या बहुत सारे लोगों ने किया, बाहर के लोगों ने भी, लेकिन जितनी सदगुरु अभिलाष साहब के बीजक निकले, छपते गए, उतना आज तक किसी की बीजक नहीं निकला है। सदगुरु अभिलाष साहब का उनका जीवन, रहनी, हर चीज वही था। एक 70 साल के साधक के साथ जो व्यवहार करते, गुरुदेव जी नया जाते उस साधक के साथ भी वही व्यवहार करते, कोई मतभेद नहीं। गुरुदेव जी का बड़े बड़े जगहों में जाओ तो देखा जाता है महंत के लिए अलग व्यवस्था होती है, लेकिन गुरुदेव जी जब तक रहे और आज भी वहाँ का सिस्टम है, गुरुदेव जी जब तक रहे तब भी और आज भी जो भोजन सामूहिक बनता है सबके लिए वही गुरुदेव जी भी खाते थे, अलग विशेष नहीं, कोई विशेष नहीं। और जब विशेष होता है तब गड़बड़ होता है, सहजता में ही सब कुछ है। गुरुदेव जी की एक पंक्ति है, व्यवहार ही में झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहाँ। परमार्थ पथ अकेले का पथ होता है, परमार्थ में अकेले की साधना होती है, अकेले बैठो, आत्मा चिंतन करो, अकेले अपने आप को समझाओ। गुरुदेव जी क्या कहते हैं, व्यवहार ही में झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहाँ। परमार्थ में तो कोई झगड़ा नहीं, अपने आप को बस सुलझाना है, और जिसका व्यवहार सुलझ गया उसका परमार्थ सुलझ जाएगा। समय लगेगा लेकिन पक्का सुलझ जाएगा। हम सब लोग व्यवहार में उलझते हैं और व्यवहार में सुलझे यही सीख संत बताते हैं। व्यवहार में हम कैसे जीवन को बदले ये संत बताते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि व्यवहार को हम सुधारें। व्यवहार के शुद्धि बिना परमार्थ सद सकता नहीं। व्यवहार में हम उलझते हैं, व्यवहारी तो है भाई और भाई में विरोध,
देरान और जेठान में विरोध, पति और पत्नी में विरोध, सास और बहू में विरोध, पड़ोसी के साथ विरोध, परमार्थ की बात ही नहीं है। लेकिन परमार्थ जिसके अंदर है, परमार्थ को जो समझते हैं उसको व्यवहार भी सुधरता है। कोई कहे किसी पर मैं व्यवहार को सुधारता चाहूं तो एक सिक्के सिक्के के दो पहल होते हैं, दोनों चलते हैं। व्यवहार भी देखा जाए और परमार्थ में आत्म चिंतन किया जाए। अकेले में बैठ करके आज मैंने व्यवहार किया, कहां कहां त्रुटियां हुई, कहां कहां गड़बड़ी हुई, मुझे कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, ये चीज जब होता जाता है तब व्यवहार सुधरता है। और सबसे बड़ी साधना यही है। गुरुदेव जी की एक पंक्ति है, जीवन का पूरा रहस्य है, व्यवहार ही में झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहां। हम व्यवहार को सुधारें, परमार्थ में अकेले में आत्मचिंतन करें, सुधरता चला जाएगा। जीवन का उद्देश्य इतना ही है, बाकी सब ये बिल्डिंगें बनी हैं, बिल्डिंगें रहेगी और हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे साथ में क्या जाएगा? हमारे साथ में अच्छा कर्म जाएगा, अच्छा चिंतन जाएगा, अच्छा व्यवहार जाएगा। और हम गलत किए, गलत ढंग से जीवन को प्रयोजित करते गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज अवसर मिला है हम सबको जीवन को तराशने का, आज अवसर मिला है। हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए कि हम जिन लोगों के साथ में रहे वो लोग प्रभावित तो हो, साथ साथ अन्य लोग भी प्रभावित हो, और हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं वही लोगों से उलझ जाए, वही लोगों से खींच जाए, वही लोगों से चिड़चिड़ा जाए, वही लोगों से क्रोधित हो जाए, मतलब हम असफल व्यक्ति है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, पैसा कमाना सफलता नहीं है। सफलता है मन की प्रसन्नता, सफलता है साथियों के साथ में आनंद से जीना, सफलता है परिवार में आनंद से जीना, ये सफलता है। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, गलत ढंग से अच्छे ढंग से कमाया जा सकता है। लेकिन अगर पैसा बस कमाते चले गए, बिल्डिंगें खड़े करते चले गए, धन इकट्ठा होता चला गया, मन में अशांति है। और मन में अशांति का परिणाम क्या है, कैसे जानेंगे मन में अशांति है? जब जब हम व्यवहार में उलझते हैं। अगर साधक है तो साधकों के साथ में, गुरु शिष्य है तो गुरु शिष्य में उलझते हैं, भाई भाई है तो भाई भाई में उलझ रहे हैं, आपस में पड़ोसी के साथ उलझ रहे हैं, मतलब हमने बाहर का लौकिक पदार्थ तो इकट्ठा कर लिया लेकिन अध्यात्म की गहराई तक नहीं पहुंच पाए हम, अध्यात्म की गहराई तक नहीं पहुंच पाए, अध्यात्म की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, परमार्थ को समझ ही नहीं पाए, सिर्फ व्यवहार और भौतिक प्राणी और पदार्थों में उलझते रह गए। भौतिक प्राणी पदार्थों से मुक्ति नहीं मिल सकती, भौतिक प्राणी पदार्थों से सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है लेकिन शांति नहीं मिल सकती है। शारीरिक सुख मिल सकता है, गर्मी है कूलर लगा लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यात्रा करना है यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है, फोर व्हीलर है और अच्छा लगेगा, लेकिन इससे मन की जलन तो शांत नहीं होती है। बाहरी तपन को कम करने के लिए एसी कूलर कई प्रकार की चीजें आ गई है, भौतिक पदार्थ चीजें आ गई है, लेकिन मन को जलन, मन की पीड़ा, मन की जलन को ठंडा करने के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। इसके लिए सिर्फ संतों की कृपा है और खुद की साधना। जब तक हम खुद साधना नहीं करेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा, फिर लगेगा हमने जीवन में जो बटोरना चाहिए था, जीवन में जो प्राप्त करना चाहिए था, जीवन में जिस मंजिल के लिए आदमी तरसते हैं, आदमी वही सुख और शांति के लिए इतना शरीर को तड़पाते हैं, शरीर को इतना प्रताड़ित करते हैं। आप लोग देखे होंगे, शांति के लिए आदमी जब जाता है तो आदमी जमीन पे लेटता है, उसके सामने एक गिट्टी रखता है, फिर लेटता है, वैसे कई 100 किलोमीटर यात्रा करता है, साल साल, दो साल, तीन साल तक यात्रा करते हैं। शरीर की साधना के लिए आदमी खड़े रहते हैं तो कई साल, 10-11 साल खड़े रहते हैं। गर्मी के दिनों में आइड साइड आग का लोहाठा लेकर के आइड के आग के भट्टी के बीच में रहते हैं, ठंडी के दिनों में पानी में अंदर डूबे रहते हैं। इस शरीर को तपाने से मन नहीं तपता है,
मन नहीं तपता है, मन तो तपता है। आत्मचिंतन करने से मन शोधित होता है, आत्मचिंतन करके जीवन में आगे बढ़ने से। और हमने क्या किया है, और मैं समझता हूँ यहाँ बैठे सभी लोगों के पास इतनी ताकत एनर्जी है कि सभी लोग अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। और सबसे सरल काम है, सबसे सरल काम है जीवन को अच्छा बनाना। छत बिल्डिंग मकान खड़ा करना सरल काम नहीं है, कोई डिग्रियां प्राप्त करना सरल काम नहीं है, कोई नौकरी में लगना सरल काम नहीं है, एक साइकिल है तो मोटरसाइकिल खरीदना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। लेकिन खुद की साधना, खुद को साधना में आगे बढ़ाना बहुत ही सरल काम है। इसलिए हम जीवन को इतना अच्छा बनाएं कि हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां के लोगों को महसूस हो कि वास्तव में आदमी अच्छा जीता है, ये आदमी वास्तव में अच्छा जीता है, आनंद से जीता है, मस्त जीता है, इनके साथ रहने वाले भी अच्छे जीते होंगे। महात्मा गांधी को पूछा गया था, आप कैसे हैं, कैसे जानेंगे? महात्मा गांधी ने कहा, मैं कैसा हूँ कैसे जानना चाहते हो, तो मेरे बारे में छोड़ दो, मेरे साथ रहते हैं उन लोगों को देख लो, तो तुमको पता चल जाएगा कि मेरी स्थिति क्या होगी। मेरे साथ रहते उन लोगों को देख लो, तुमको पता चल जाएगी कि मेरी स्थिति क्या होगी। वैसे ही गुरुदेव जी थे, गुरुदेव जी के साथ में जो रहते और गुरुदेव जी के रहते रहते आश्रम में जाते, वहां के साथियों से, वहां के संतों से, वहां के साधकों से, साधकों से व्यवहार करते, साधक रहने वाले से, तो लोगों को महसूस होता था कि वास्तव में कुछ अलग जगह है। इसलिए आप लोगों से और निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम साल में 5 दिन 10 दिन कम से कम साल में कहीं घूमो। इतना बटोरेंगे क्या करेंगे, बटोरते हम लोग भी बटोरते चले जाए और आपस में लड़ते चले जाए तो क्या मतलब है। कभी बाहर का आनंद भी लेना चाहिए। आनंद तो हकीकत में अपने अंदर है, मूल चीज तो ये है, आनंद तो हकीकत में अपने अंदर है, बाहर आनंद नहीं है। लेकिन कभी कभी बाहर से शिक्षा लेने से, ज्ञान अर्जन करने से, नए सिद्धांत, नए पद्धति पता चलता है कि वास्तव में ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसे भी बदला जा सकता है जीवन को। इसलिए अभी 26, 27, 28 अक्टूबर को कबीर पार्क संस्थान प्रयागराज में वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें अजी साहेब जी लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 4-5 बजे। और आप लोगों के पास भी अवसर हो तो 26, 27, 28 को है, आप लोग कम से कम 23-24 को यहाँ से निकले और एक दिन की यात्रा है वहाँ पहुंचे, वहाँ का कार्यक्रम भी देखे। भीड़ होगी वहाँ, असुविधाएं कुछ होगी भी, लेकिन नया एक अनुभव भी होगा वहाँ, देखे कैसे क्या होता है, जीवन में कैसे लोग रह लेते हैं सहजता में। तो इसलिए गुरुदेव जी की पंक्ति मैंने कहा, व्यवहार ही में झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहाँ। व्यवहार को सुधारे, व्यवहार की शुद्धि बिना परमार्थ सद सकता नहीं। व्यवहार को सुंदर बनाए, याद रखें कि मुझे कटुता नहीं, वाणी से व्यवहार सबसे ज्यादा बिगड़ता है, वाणी पर संयम सबसे ज्यादा, वाणी पर इतनी कंट्रोल होना चाहिए अपने पास में कि हमारे बिना संचालित करे, हमारे मन से कटुता, हमारे वाणी से कटुता नहीं आनी चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। हम थोड़े थोड़े में खींच जाते हैं, थोड़े थोड़े में खींचते हैं, मतलब हम साधना नहीं कर पा रहे हैं। भले हम कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, भले हम कहते हैं कि हम अच्छा से जी रहे हैं, लेकिन हमारा परिणाम ये बताता है यदि हम खींच रहे हैं तो हम व्यवस्थित जीवन नहीं जी रहे हैं। ये व्यक्तिगत की साधना है, इसलिए हम जीवन को सुंदर बनाएं। पूज्यवर साहेब जी विराजमान हैं।